बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। तो नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपुर अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दूधबर्डी कलमेश्वर और पशु संवर्धन विभाग पंचायत समिति रामटेक के संयुक्त विद्यमान से पोषण वाटिका महाअभियान अंतर्गत इफको द्वारा प्रायोजित सब्जी बीज वितरण, पशु रोग निदान और चिकित्सा शिविर का आयोजन पशु वैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 1 हिवरा बाजार रामटेक अंतर्गत मौजा बेलदा में हाल ही में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 50 किसानों को सब्जी बियाने वितरित किए गए। इस अवसर पर बेलदा गांव के 200 से अधिक जानवरों का टीकाकरण और उपचार किया गया। डॉक्टर सारीपुत लांडगे, वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा प्रमुख, इन्होंने जानवरों का व्यवस्थापन विषय पर मार्गदर्शन किया। इफको के राहुल नखाते ने नैनो यूरिया के बारे में मार्गदर्शन किया। पंचायत समिति के पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर अश्विनी गढ़मड़े ने पशु स्वास्थ्य के बारे में मार्गदर्शन किया। पशु वैद्यकीय अस्पताल श्रेणी 1 हिवरा बाजार के पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिरसाट ने विभाग के विविध योजनाओं की जानकारी दी। बेलदा गांव के सरपंच उमेश भंडारकर ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए सहकार्य किया और ग्राम वासियों को प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ के विस्तार शिक्षण संचालनालय में कार्यरत तांत्रिक अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञे ताकसांडे ने पशुपालक आहार विषयक पर भाषण देकर मार्गदर्शन किया। तांडापेट में श्री रणवीर गणेश उत्सव मंडल ने सार्वजनिक गणेशोत्सव के माध्यम से टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को महसूस किया है। मंडल ने गणेश उत्सव में टीकाकरण की एक झांकी तैयार की है, जिसमें नागरिकों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करना प्रमुख उद्देश्य है। यही नहीं, मंडल द्वारा स्थापना के समीप ही कैंप लगाकर वास्तविक टीकाकरण भी किया जा रहा है। शनिवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने तांडापेट के श्री रणवीर गणेश उत्सव मंडल के स्थापना स्थल का दौरा किया और पदाधिकारियों की टीकाकरण के प्रति अवधारणा की सराहना की। उनके साथ स्वास्थ्य समिति सभापति संजय महाजन भी थे। महापौर ने रणवीर गणेश उत्सव मंडल द्वारा स्थापित गणेश प्रतिमा की पूजा की। महापौर ने कहा कि कोविड पिछले 2 साल से हर नागरिक को परेशान कर रहा है, इसे रोकने के लिए जनवरी 2021 से टीकाकरण शुरू किया गया था। नागरिकों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी चुनौती थी और आज भी है। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव जैसे सार्वजनिक उत्सव के माध्यम से टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और एक वास्तविक टीकाकरण केंद्र शुरू करने की अवधारणा समाज सेवा की भावना से प्रेरित है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से शासकीय डेंटल कॉलेज के सहयोग से शनिवार को महापौर दंत चिकित्सा जांच शिविर का शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी ने किया। आजादी के 75 अभियान के तहत शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सहयोग से पूरे शहर में 75 दंत चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। गांधीबाग जोन के अंतर्गत दंत चिकित्सा जांच शिविर के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका स्वास्थ्य समिति सभापति महेश संजय महाजन, गांधीबाग जोन सभापति श्रद्धा पाठक, शासकीय डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय बालपांडे, डॉक्टर अभय दातारकर, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, अपर सहायक चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय जोशी, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर वैभव समेत उनका पूरा दल मौजूद था। इस अवसर पर बोलते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने कहा
कि नागपुर महानगर पालिका शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का नियमित रूप से आयोजन कर रही है। महानगर पालिका ने दिसंबर महीने तक शहर में 107 प्राथमिक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व में हमारे देश को ऋषि मुनियों के देश के नाम से पहचाना जाता है। इसका मुख्य कारण है कि पौराणिक काल से भारत देश में मुख्य दो धार्मिक परंपराएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक वैदिक परंपरा जिसमें आत्म साधक तपस्वी योगी को ऋषि कहा जाता है, दूसरी श्रमण परंपरा जिसमें आत्म साधक को मुनि कहा जाता है। जैन आमनाय के अनुसार धरती पर उत्पन्न प्रत्येक जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। यह श्रमण परंपरा दर्शाती है अष्टकर्मों का नाश होने के उपरांत जब यह जीव शरीर रहित कर्म रहित शुद्ध आत्म तत्व प्राप्त होने के बाद जन्म मरण चक्र को नष्ट करके ब्रह्मांड के ऊर्ध्व भाग पर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग की पहली पायदान क्षमा धर्म से प्रारंभ होती है। अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने में दुर्व्यवहार गलतफहमी अहंकार के कारण अपने आत्म तत्व पर मलिन कर्मों का आवरण तैयार हो जाता है। जब हम क्षमा दान करते हैं या क्षमा का दान लेते हैं तो उन सभी कर्मों को नष्ट करने में क्षमा रूपी जल को धारण किया जाता है ताकि हम मोक्ष मार्ग की ओर तीव्र गति से बढ़े। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने स्वच्छ कार्य परिसर थीम के अंतर्गत मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल नागपुर के मार्गदर्शन में मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर रेलवे मंडल कार्यालयों कार्यशालाएं रेलवे कॉलोनियों की परिसरों नालियों व गडर लाइनों की साफ सफाई एवं झाड़ियों की कटाई कराई। मंडल के अन्य कार्यालय परिसर में रेलवे कॉलोनियों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलकर साफ सफाई की तथा आगे भी परिसरों को निरंतर स्वच्छ रखने पर जोर दिया। शनिवार को स्वच्छ स्टेशन थीम के अंतर्गत स्टेशन परिसर की सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाया गया ताकि रेल परिसर स्वच्छ रहे। रेल स्टेशनों के आसपास में वृक्षारोपण किया गया ताकि इससे न केवल पर्यावरण के प्रति लोगों में चेतना जागृत होगी बल्कि वातावरण भी प्रदूषण रहित होगा। इस दौरान वृक्षारोपण व सौंदर्यीकरण के लिए परिसर का भू निर्माण कचरा उत्पन्न स्थल पर कचरे के पृथककरण सड़ने योग्य और गैर सड़ने योग्य कचरे के लिए अलग डस्टबिन प्लास्टिक का उपयोग न करने जोर तथा स्टेशन में सफाई संबंधी सामग्री की जाँच कर उपलब्धता सुनिश्चित किया गया। रविवार को स्वच्छ मूवमेंट थीम के अंतर्गत रेलवे कॉलोनियों में स्वच्छ रथ तथा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। सुशीला नगर सिंधी पंचायत की ओर से गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुशीला नगर गणेशोत्सव मंडल में शुक्रवार को महाप्रसाद का आयोजन किया गया। भक्तों ने गणपति महाराज के दर्शन कर महाप्रसाद का लाभ लिया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर नागपुर शहर के पुलिस डिप्टी कमिश्नर लोहित मतानी के हस्ते महाआरती हुई। जरीपटका पुलिस के निरीक्षक नितिन फतांगरे राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश आर्य सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक सुरेश जग्यासी पूर्व पुलिस निरीक्षक राजरत्न बंसोड़ उदय एकेडमी के सचिव प्रताप देवानी गुरु दरबार के दादा अर्जुन जग्यासी सुशीला नगर पंचायत के अध्यक्ष हितेश चंदवानी की उपस्थिति रही। आयोजनों को सफल बनाने में सचिव मनोज अंगनानी सह सचिव राजेश बुधवानी कोषाध्यक्ष प्रकाश खियानी दिनेश खियानी सुनील मोटवानी संजय फुलवानी पंकज अंगनानी नीरज गंगवानी राहुल नैनानी दीपक होटलानी राजेश आहूजा राजेश खत्री मनोज जोशी रोशन रामचंदानी महेश उत्तमानी पाची कुकरेजा बंटी कुकरेजा दीपक मिरानी हरीश अंगनानी हरीश चंदवानी पवन मिरानी सोनू मिरानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा समर्पण सप्ताह के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। शहर में सभी राशन की दुकानों के सामने भाजपा द्वारा जूट की बैग वितरित की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुफ्त अनाज की योजना के तहत बांटे जा रहे अनाज का समावेश हो सके। महाल में शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके एवं मोहन मते द्वारा बैग वितरित की। इस अवसर पर संजय बंगाले रामभाव अम्बुलकर नरेंद्र बोरकर विजय आसोले देवेन दस्तूरे सुनील मित्रा विनायक डेहनकर आशीष पाठक संजय उगले प्रीति राजदेरकर
बाबा बाजोरिया, नेहा लगाटे, मनीष मेश्राम, दक्षता समिति के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चे द्वारा सभी मंडलों के मुख्य मंदिरों में उनके स्वस्थ जीवन तथा देश के विकास को इसी प्रकार प्रगति पथ पर निरंतर ले जाए, इसकी प्रार्थना की गई। वैद्यकीय आघाड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष संजय भेंडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से आज तक के संघर्ष में सफर और उनके जीवन शैली को प्रस्तुत किया। पयूर्षण महापर्व के उपलक्ष्य में तुलसीनगर जैन मंदिर के सभागृह में चित्रकला स्पर्धा की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन श्रमणोपासक श्री संघ तुलसीनगर द्वारा किया गया। सभी प्रतियोगियों ने अपने ही घर पर जैन धर्म व कोरोना महामारी विषय को लेकर अपने प्रतिभाओं के साथ चित्र उकेरे। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका विधिवत उद्घाटन तुलसीनगर क्षेत्र के नगर सेविका अभिरुचि रोजगिरे द्वारा किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में बचपन प्ले स्कूल की संचालिका शालू अवकाश जैन, मंदिर व्यवस्था समिति से अरविंद जैन मंदिर वाले, अरविंद जैन रेलवे, महावीर युद्ध क्लब परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश सावलकर जैन, सचिव प्रशांत मानेकर जैन, नीलेश जैन जवेरा, आशीष सिंघई, संजय जैन नेताजी, निशंक जैन, आशीष जैन, रुपेश जैन, विपिन जैन, रविंद्र जैन उपस्थित थे। प्रतियोगिता का कुशल मंच संचालन अमन जैन ने किया एवं आभार प्रदर्शन अमित जैन ने किया। निर्णायक की भूमिका कला शिक्षक मनीष पिंजरकर ने निभाई। हाल ही में जरीपटका पुलिस स्टेशन चौक पर आप पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। अभियान लगते ही लोगों की उत्साह देखते ही बनती थी। लोगों की उम्मीद बन रही है, आपको विश्वास है कि दिल्ली जैसा विकास नागपुर पर भी होगा। लोग पिछली सरकार को वोट देने के बाद भी अपनी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी नागपुर महानगर पालिका पर विजय प्राप्त करे और जनता के हित में काम करे। विदर्भ संगठन मंत्री आकाश सफेलकर लगातार आम आदमी पार्टी को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। वे लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर बढ़ोतरी होगी। नागपुर चुनाव प्रभारी देवेंद्र वानखेड़े के मार्गदर्शन पर लगातार आकाश सफेलकर आप में अच्छे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोड़ रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त है। महानगर पालिका चुनाव सीधा संपर्क वाला चुनाव है और आम आदमी पार्टी जैसे जैसे ही सदस्यता अभियान हर क्षेत्र में लगा रही है, हर समाज का वर्ग, हर उम्र का वर्ग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हाल ही में रामटेक में कुछ स्थानीय लोगों का ध्यान जमीन से 50 फुट ऊपर मांजे में फंसे तोते पर गई। लोगों ने तुरंत रामटेक के वाइल्ड चैलेंजर ऑर्गेनाइजेशन सर्पमित्र प्राणी मित्र संस्था के पदाधिकारी को कॉल कर नगर परिषद रामटेक के सामने बरगद के पेड़ पर मांजे में फंसे हुए तोते को समय ना गवाते हुए राहुल कोठेकर, राहुल खरकाटे, अजय मेहरकुले, सागर धावड़े, अक्षय घोड़ाकड़े, मंथन सरभाव घटनास्थल पर पहुंचे। नगर परिषद के मुख्य अधिकारी हर्षल गायकवाड़ को बताकर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई और उस पर की सीढ़ी की मदद से नगर परिषद रामटेक च कर्मचारी गोविंदा तुप्पट, अजय ठेमरे, योगेश गवलीवार, सोरते की मदद से अक्षय घोड़ाकड़े ने हिम्मत कर ऊपर चढ़कर तोते को नायलॉन मांजे से सुरक्षित बाहर निकाला और जीवन दान दिया। संस्था के अध्यक्ष राहुल कोठेकर ने बताया कि हर वर्ष हजारों पक्षी नायलॉन मांजे में फंसकर अपनी जान गंवाते हैं, वहीं लोगों की भी मौत होती है। ऐसे में नायलॉन मांजे पर पाबंदी लगाई जाने की मांग उन्होंने इस दौरान की। भीवापुर के सफाई कामगारों की समस्या को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री प्रकाश चमके, नागपुर जिला महामंत्री अक्षय वाल्मीकि तथा भीवापुर शाखा अध्यक्ष महावीर कलसे व उमरेड शाखा अध्यक्ष राजू तांबेकर तथा संगठन के शिष्टमंडल के साथ उमरेड भीवापुर मतदार संघ के विधायक राजूभाऊ पारवे के साथ सफाई कामगारों के प्रलंबित विषयों पर चर्चा की। विधायक पारवे ने सफाई कामगारों के प्रश्नों को जल्द से जल्द छुड़ाने का आश्वासन दिया। भीवापुर मिर्ची बाजार वाल्मीकि समाज के मोहल्ले में 1000 वर्ग फीट जगह में 3 महीने के भीतर 20 लाख रुपए के लागत से समाज भवन का काम शुरू करने की बात कही। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सफल साफल्य योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों को मकान देने के लिए कलेक्टर से चर्चा करके इस विषय को भी सुलझाएंगे, ऐसा विधायक पारवे ने कहा। शिष्टमंडल में गणेश राणे, प्रकाश राम बंसी, रितेश राम बंसी, अजय राम बंसी, रुपेश राम बंसी, विनोद कलसे, मनोज कलसे, सुशील राम बंसी, दिनेश तांबेकर, मुकेश तांबेकर एवं संगठन शाखा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।
चुनाव आयोग ने स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव कार्यक्रम की तारीख घोषित की है। चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आघाड़ी पार्शिवनी तहसील की ओर से राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द करने के विरोध में आंदोलन किया और इस संदर्भ में तहसीलदार सांगोड़े को ज्ञापन भी सौंपा। इस आंदोलन में प्रमुखता से ओबीसी आघाड़ी के नागपुर जिला महामंत्री राम दिवटे के नेतृत्व में विरोधी पार्टी के उप गुट नेता एवं जिला परिषद सदस्य वेंकटेश कारेमोरे, जिला मंत्री जयराम मेहरकुले, तहसील अध्यक्ष अतुल हजारे, ओबीसी आघाड़ी तहसील अध्यक्ष नरेश पोटभरे, तहसील शिक्षक सेल आघाड़ी अध्यक्ष देवेंद्र सेंगर, डॉक्टर प्रमोद भट्ट, रिकेश चवेर, कमलाकर मेघर, कन्हान शहर अध्यक्ष मनोहर पाठक, डॉक्टर राजेश ठाकरे, राजू भोयर, ओबीसी आघाड़ी अध्यक्ष कन्हान अमोल साकोरे, धर्मेंद्र गणवीर, ऋषभ बावनकर, राजेंद्र शेद्रे तथा तहसील के सभी आघाड़ी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा शुभकामनाएं दी गई और प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर उज्ज्वला गैस धारक महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसी तरह जिन नागरिकों ने कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए ऐसे महिलाओं व पुरुषों को पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के ओबीसी सेल नागपुर जिला उपाध्यक्ष महेश लोखंडे और आनंद धड़ांगे की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र हरडे उपस्थित थे। इसी तरह विजय घोड़मारे, दीवान पारधी, सुभाष खांडेकर, उर्मिला गायधने, मंगेश हरणे, कमलेश खोबरागड़े, राज गायधने, भगवान बालपांडे, सुखदेव खोबरागड़े, जीवन बिसेन, अरविंद पडोड़े, राजेश बर्वेकर, मुरलीधर इंगले, सुनील बानमारे, शेखर मेश्राम, निर्मला खोबरागड़े, वर्षा खोबरागड़े, माया चौहान, जया राठौड़, सुरेखा बन्नारे, इनकी मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी का आभार युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कमलेश खोबरागड़े ने माना। शुक्रवार के दिन सावनेर शहर में साप्ताहिक बाजार लगता है। इस दिन स्थानीय व्यवसायियों के साथ ही तहसील के अनेक खुददार व्यवसायी इस बाजार में अपने दुकानें लगाते हैं। वही तहसील का बड़ा बाजार होने से खरीदारों की भी खासी भीड़ उमड़ती है। शहर के मध्य भाग में स्थित गडकरी चौक से बाजार चौक तक नगर प्रशासन ने सीमेंट रोड बना रखा है, जिस पर सभी सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें नियमित तौर पर लगाने से इस रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इसकी लिखित शिकायत नगर प्रशासन के अधिकारी, मुख्य अधिकारी, तहसीलदार तथा जिला अधिकारी तक को नागरिकों ने की है। नियमित रूप से लगने वाली सब्जी भाजी की दुकान अग्निशमन विभाग द्वारा आरक्षित जगहों पर स्थानांतरित करने की मांग की गई। इसके चलते जिलाधिकारी ने उक्त स्थान को अतिक्रमण मुक्त रखने, वहां व्यवसाय करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिखित आदेश दिए हैं। इसके बाद भी नगर प्रशासन की लचर कार्रवाई के चलते व्यवसायी बीच रास्ते पर दुकानें लगाकर आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं। शनिवार सुबह से ही मुख्याधिकारी हर्षला राणे के आदेश पर कुछ नगर प्रशासन के कर्मचारियों ने डेरा डालकर फुटपाथ पर दुकानें नहीं लगने दी। नागपुर अमरावती राजमार्ग तथा राज्यमार्ग मार्ग सुरक्षा पुलिस आउटपोस्ट खुर्सापार द्वारा अपर पुलिस महासंचालक यातायात डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय, पुलिस अधीक्षक श्वेता खेड़कर, उप अधीक्षक संजय पांडे, पुलिस निरीक्षक वैशाली वैरागड़े के निर्देश पर राजमार्गों के समीपस्थ गाँव नगर के सार्वजनिक गणेश मंडलों के पदाधिकारियों तथा भक्तजनों से मिलकर यातायात नियमावली के मार्गदर्शन के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक विक्रम सागने द्वारा यातायात नियमों के बारे में लोगों में जागरूकता और दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए नियम कायदों का पालन करने की अपील राजमार्ग सुरक्षा पुलिस ने काटोल, कलमेश्वर, कोंढाली के साथ साथ राजमार्ग से सटे गाँव में सार्वजनिक गणेश मंडल को बैनर व दीवार पत्रक बांटकर जागृति की गई। इस मौके पर हाईवे सुरक्षा पुलिस के हवालदार रामप्रसाद दूधबरवे, राजेश पाटिल, जयश्री भैसारे, अमोल सोमकुवर, प्रशांत वानखेड़े, सुरेश डायरे, महेश वेरुलकर, दीपाली कुकड़े, चंद्रशेखर शेंद्रे, बाबाराव बोवाड़े तथा सिपाही और पुलिसकर्मी मौजूद थे। शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र से पिछले अनेक देशों से जुड़े ढूंढेले परिवार की बहू डॉक्टर तनु गुंजन ढूंढेले नामदेव ने हाल ही में नागपुर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नागपुर से डीएम कार्डियो परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने परिवार का नाम रोशन किया। मूलतः जबलपुर निवासी डॉक्टर तनु ने
MY हॉस्पिटल व MGM मेडिकल कॉलेज मध्य MBBS गोल्ड मेडलिस्ट तथा SS श्याम शाह मेडिकल कॉलेज व संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा मध्य प्रदेश से MD मेडिसिन की पढ़ाई पूर्ण कर मेडिकल कॉलेज नागपुर के तत्वावधान में नागपुर के सुपर स्पेशलिटी व शासकीय मेडिकल कॉलेज नागपुर से DM कार्डियो में नागपुर विभाग से प्रथम तो राज्य में द्वितीय स्थान अर्जित किया। डॉक्टर तनु नामदेव ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत लगन के साथ ही अपने शिक्षक मार्गदर्शक तथा परिजनों को दिया तथा कठिन परिश्रम उचित मार्गदर्शन व परिवार के सहयोग से ही संभव होने की बात कही। उनकी इस उच्च शिक्षा का समूचे ग्रामीण के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से विकसित होते नागपुर शहर को लाभ होने की बात कही। डॉक्टर तनु के DM कार्डियो में उत्तीर्ण होने पर महाराष्ट्र खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने उनकी सफलता पर शुभकामनाएं और बधाई दी। मछुआरा बहुउद्देश्य सहकारी समिति रामटेक के अध्यक्ष कृष्णा नागपुरे, प्रबंधक बागड़े और निदेशक मंडल के अनुरोध पर कांग्रेस नेता सचिन किरपान ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उपरोक्त संस्था पूर्व सांसद स्वर्गीय जतिराम बर्वे के नेतृत्व में 1944 में स्थापित की है। रामटेक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नेता सचिन किरपान ने राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार से चर्चा की। मंत्री केदार ने संबंधित अधिकारियों को संस्था की समस्याओं के समाधान के लिए अगले सप्ताह मत्स्य विकास आयुक्त के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर।